हेलो एवरीवन। सो जैसे कि आपको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो उसके लिए मतलब कि वैसे डेकोरेशन करने का मन कर जाता है ना, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ तो डेकोरेशन करूँगी नहीं, DIY कुछ डेकोरेशन करूँगी जिससे कि मतलब क्यूट लगे ना थोड़ा सा मंदिर। तो पहले मैं चाहिए कुछ पेपर कप्स ऐसे छोटे छोटे, मतलब कि अंदर से वाइट सरफेस हो जिनका, बाहर से तो कैसे भी चल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये जो पेपर कप्स हैं इसके ऐसे स्ट्रिप्स में काट देना है इसको। आई एम शोइंग यू ऐसे, जैसे कि स्ट्रिप्स दिख रही होंगी आपको, ऐसे पूरे इसको काट देना है। तो ये हमारे ऐसा कुछ दिखेगा सारा कट करने के बाद। इसको क्या करना है हमने, ऐसे ऐसे इसको हमने खोल देना है, इसकी जो स्ट्रिप्स की कटिंग है जो कुछ ऐसे दिखेगा, लाइक सनफ्लावर या फिर सन या फिर फ्लावर, जैसे जैसे आपकी इमेजिनेशन हो वैसा कुछ लग सकता है ये ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इतना बड़ा सा है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके जो ये स्ट्रिप हैं इनको हम फोल्ड कर देंगे जस्ट लाइक दिस। इसकी स्ट्रिप को ऐसे हम फोल्ड कर देंगे ताकि अगर हम इसको कहीं भी लगाएं तो ये उठा उठा दिखे ना, ऐसे बिल्कुल दीवार के साथ चिपका हुआ ना लगे, उठा उठा दिखे। पापा हमारी वीडियो देख रहे हैं पुरानी। इसके बाद हम ऐसे सिंपल वाइट कलर तो अच्छा ही लगेगा, तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप उसी कलर के बना सकते हो। मैं अभी लेने वाली हूँ, आप इसमें वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर वाटर कलर मैं इसलिए यूज़ करूँगी पेपर कप है, आपको पता है ये मेस्ड अप हो जाता है, मैं कौन सा बड़ी आर्टिस्ट हूँ जो है ना अच्छे से हो जाएगा। तो है ना, DIY है, कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकते हैं। तो इसी का हाँ, तो अब हम इसके जो स्ट्रिप्स हैं इसमें मैं यूज़ करूँगी ऑयल पेस्टल कलर भी वो वाटर कलर जैसा ही टेक्सचर देते हैं पर ये जल्दी ख़त्म होते हैं। हाँ, बट आई लाइक। तो अब ये देख सकते हैं, मैं इसे कलर करूँगी इस पर स्ट्रिप्स पे। तो मैं सारी स्ट्रिप्स पे येलो कलर ही कर रही हूँ। आपको ये तो सही में सन बना रही है। नो, आई एम नॉट मेकिंग ए सन। तो येलो कलर फिनिश होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब मैं इसके सेंटर में कलर करूँगी लाइट ग्रीन। ये ना घिसते जल्दी, ये खत्म जल्दी होते, टूटते नहीं। सेंटर में जो खाली जगह है उस पर मैं ग्रीन पे ऐसे लग रहा है कंप्लीट होने के बाद। मैं सोच रही हूँ अब मैं इसके ऊपर डार्क ग्रीन कर देती तो अच्छा लग जाता थोड़ा सा, और ना लाइट से लग रहा है, तो मैं डार्क ग्रीन चला के देखती हूँ कैसे लग रहा है। ग्रीन करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, और ऐसे मैं अभी एक दो और बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही येलो स्ट्रिप के दो ऐसे बना लिए हैं, ये हो गए टाइप फर्स्ट फ्लावर। मैं आपको एक और टाइप के फ्लावर बनाने सिखाती हूँ, वेट अ मिनट। तो टाइप टू फ्लावर के लिए चाहिए हमें ऐसे एक पिन पेज। सो हाँ जी, अब आप सुनेंगे मेरी ऐसे पर्सनली आवाज़। तो हमने पिन पेज जो लिया है उसको हमने दो साइडों से इक्वली फोल्ड करना है ताकि तीन हमारे अलग अलग पेपर बन सकें, मतलब कि सेम ही साइज़ के पेपर बन सकें। तो अब हम ये जो ये वाली साइड है इसको हम कर देंगे कट, तो हमारी एक साइड निकल आएगी ये जो आप देख रहे हैं। अब ये जो नेक्स्ट साइड बची है इसको भी हम कर देंगे कट। अब हमारे पास तीन इक्वल साइज़ के पेपर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हम बचपन में वो पेपर नहीं बनाते होते थे फ़ैन, तो बस हमने वही इसको एक साइड से फोल्ड करके फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर देना है, फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। वो तेरी मैंने तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, फास्ट फॉरवर्ड फटाफट से फ़ैन बना लेना सबने ऐसे ही। और ये जो तीनों स्ट्रिप हैं इन तीनों को ही हमने ऐसे ऐसे कर देना है, और तीनों को ऐसे करने के बाद ये ऐसे ही मिलेंगे आपको। सो नाउ वी आर अप्लाइंग ग्लू ऑन दिस सरफेस ऑफ वन पेपर। और हमने जो इसके सारी जो साइड्स हैं एंड वाली उसमें ग्लू लगा के इनको चिपका देना है, जितनी भी ये जो तीनों साइड है उन तीनों को ही ऐसे ज्वाइन कर लेना है, तो फिर ये ऐसे कुछ दिखेगा। तो हमने सारे ज्वाइन कर लिए हैं, अब हमने क्या करना है, इसके जो ऊपर वाली ये साइड है इसको हमने
ऐसे कट करना है, दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसे दिखेगी। लो जी ते मैं फिर आ गई हाँ, हूँ करन लग गया आप स्केच, जेड़ा कि मैं कलर लिता है वा पिंक, पिंक ते येलो करांगे आप, ते बड़ा सोहना फिर साड़ा फ्लावर बन चुका है। इसके सेंटर में मैंने एक सर्कल लिया और सर्कल के अंदर येलो कलर करके इसके सेंटर में पेस्ट कर दूंगी। साथ और भी बना सकते हैं, बड़े साइज का ये भी मैंने बना के रखा था। हाँ जी, और हमारी अब ये तीसरी टाइप है, एक और टाइप का फ्लावर, जिसमें से जो नीचे वाली खाली साइड दिख रही है इसको हम कर देंगे कट। कट करने के बाद ये ट्रायंगल ऐसे कुछ दिखेगा, इस ट्रायंगल को हम फोल्ड कर देंगे, पर ऊपर नीचे फोल्ड करना है। ऊपर नीचे फोल्ड करने के बाद इसको हम एक और बार फोल्ड करेंगे, और ये ध्रुवे मेरे को परेशान करता हुआ बीच में लड़ियाँ दिखाता हुआ। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको ऊपर वाली साइड से हम अपनी मर्जी से कैसे भी कट कर सकते हैं, जिस डिज़ाइन में हमें चाहिए, और ध्रुव पे मेरे को गुस्सा आता हुआ और फिर हमने ऊपर वाली साइड को कट कर दिया। फिर हम नीचे वाली साइड से भी कुछ ऐसा ही शेप देंगे, और ये कट हो चुका है। फिर हम इसके जो बीच में है इसमें हम एक और ट्राइंगल जैसी शेप में कट कर देंगे। फिर उसके बाद कट करने के बाद अब हम इसे खोल के देखेंगे, तो खोल के देखेंगे कि देखते क्या बना क्या बना क्या बना, और ये हमारा बन चुका है। अब हम इसके जो इधर डिज़ाइन से इसको हम आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। ये होता है रियल मेस कुछ भी आर्ट क्राफ्ट करने के बाद, ये कोई आपको कोई नहीं दिखाता होगा, पर मैं दिखा रही हूँ, देखो कितना कूड़ा कबाड़ा मचता है।